Hello student, good morning. This is your SST class for third standard. Today we are going to complete rest part of SST. So let's begin. The first topic we are going to discuss that the eight planets, yani 8 grah. ठीक है? We already know that there are 8 planets in the solar system. हम पहले से ही जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं. अ प्लैनेट इज अराउंड सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट. तो प्लैनेट वह गोलाकार खगोलीय पिंड होता है जो सूर्य के चारों तरफ उसकी कक्षा में ऑर्बिट्स में परिक्रमा करता है चारों तरफ. इट इज़ द फिक्स्ड पाथ अलॉन्ग विच अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन. और यह एक निश्चित पाथ होता है, निश्चित परिक्रमण पथ होता है जिस पर एक ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है या घूमता है. द प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ दियर ओन, है ना, और प्लैनेट्स का अपना कोई प्रकाश नहीं होता. द गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, और वे सूर्य से गर्मी और उष्मा या गर्मी या प्रकाश प्राप्त करते हैं. हियर इज द पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम. यू कैन इजली सीन दिस इज सन एंड फर्स्ट प्लेनेट इज मर्करी, देन वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, ठीक है, सिक्स सैटर्न, एट प्लेस पे है यूरेनस एंड सेवन प्लेस पे यूरेनस और एट प्लेस पे है नेपच्यून, ठीक है. जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट वाइल मर्करी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. तो जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जुपिटर इज दिस, जबकि मर्करी हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, है ना. सैटर्न हैज ब्यूटीफुल रिंग्स अराउंड इट. सैटर्न के चारों तरफ, है ना, खूबसूरत रिंग्स हैं जिसे हम छल्ले बोलते हैं, है ना, इसके चारों तरफ ये देखो रिंग्स हैं. मर्करी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन व्हाइल नेपच्यून इज द फार्देस्ट. मर्करी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, है ना, और जो नेपच्यून है वो सूर्य से सबसे दूर पर स्थित है, सबसे दूर का ग्रह है. आवर अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, और हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य से के तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान वाला ग्रह है. यू कैन सी इजली हियर. इट इज द ओनली प्लैनेट वेयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस बींग्स लिव. और यही केवल एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे पौधे, जानवर और मानव प्रजातियाँ रहती हैं, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज सैटेलाइट, है ना. तो आई वांटेड टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट सैटेलाइट्स, ठीक है. मैं आपको सैटेलाइट्स के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ. जैसे सैटेलाइट्स, बेसिकली सैटेलाइट्स आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज नेचुरल सैटेलाइट एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट. आर्टिफिशियल सैटेलाइट मीन्स द सैटेलाइट विच क्रिएटेड बाई ह्यूमन्स, ठीक है. वो सैटेलाइट्स जो हम आदमी बनाते हैं, जो साइंटिस्ट्स बनाते हैं और उसे अंतरिक्ष में भेजते हैं, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, नेविगेशन एंड टेली कम्युनिकेशन, ठीक है. इनका उपयोग हम नौचालन में करते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं, नौ परिवहन में करते हैं. और दूसरा जो सैटेलाइट होता है वो है नेचुरल सैटेलाइट. नेचुरल सैटेलाइट मीन्स वो सैटेलाइट्स जो कि प्राकृतिक तौर पर बने, जैसे कि हमारा मून, ठीक है. तो अब हम बढ़ते हैं आगे. मैनी प्लैनेट्स हैव वन और मैनी स्मॉल कंपेनियंस दैट रोटेट्स अराउंड देम, दे आर कॉल्ड सैटेलाइट. कई सारे प्लैनेट्स के पास एक या एक से अधिक और छोटे साथी होते हैं, उनके साथी होते हैं जो कि उनके चारों तरफ उनका चक्कर लगाते हैं, इसे हम सैटेलाइट्स कहते हैं. द अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट द मून,
और अर्थ की केवल एक, हमारी पृथ्वी का केवल एक सैटेलाइट्स है चंद्रमा। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम और यह हमारे सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा सैटेलाइट है। ठीक है, तो दिस फैक्ट शुड बी लर्न बाय यू, है ना, एंड लर्न बाय हर्ट। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन और इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, है ना। सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड हियर दैट मून हैज़ ओन लाइट। ठीक है, However, it appears bright because of the sunlight reflected from its surface. हालांकि यह हमें चमकीला दिखाई देता है लेकिन यह सूर्य के प्रकाश को अपनी सतह से, सरफेस से क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है, इसी कारण वो हमें ब्राइट दिखता है, है ना, चमकीला दिखता है। The planet Jupiter has the most number of satellites, है ना, और यहाँ पे जुपिटर, जुपिटर जिसे हम हिंदी में बृहस्पति भी कहते हैं, ठीक है, और इसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, है ना। और आप जानते हो कि जुपिटर जो है लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो अगर ये सबसे बड़ा है तो इसके पास सबसे ज़्यादा क्या होंगे, सैटेलाइट्स भी होंगे। ठीक है, ओके चिल्ड्रेन, नेक्स्ट टॉपिक इज अदर सेलेस्टियल बॉडीज एंड यू नो दैट प्लैनेट के अलावा या फिर अन्य बॉडीज़ के अलावा कुछ छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज़ भी स्पेस में होते हैं, जिसमें हमारा पहला है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स आर रॉकी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड द सन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए कि जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो किसके चक्कर लगाते हैं, किसके अराउंड घूमते हैं, तो वो सन के अराउंड घूमते हैं। और ये कैसे होते हैं, रॉकी होते हैं यानी कि पथरीले होते हैं और मेटलिक होते हैं। मेटलिक मतलब क्या होता है, धातुमय, है ना, तो ये धातुमय होते हैं और पथरीले होते हैं। ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि सूर्य के चारों तरफ स्पेस में घूमते रहते हैं। सेकेंड इज मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स को हम कहते हैं, सॉरी, एस्ट्रॉइड्स को हम क्या कहते हैं हिंदी में, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, है ना, ये याद रखना। सेकेंड है मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स को हम कहते हैं उल्कापिंड, है ना, और मेट्रॉइड्स आर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स दैट ट्रैवल इन स्पेस, दे आर कॉल्ड शूटिंग स्टार्स। ठीक है, तो जो मेट्रॉइड्स होते हैं ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि सॉलिड होते हैं, है ना, कठोर होते हैं और ये स्पेस में ट्रैवल करते रहते हैं, और इसे हम टूटता तारा भी कहते हैं। जैसे आपने रात में देखा होगा ना कि आसमान से कोई चीज़ जलती हुई गिरती प्रतीत होती है, दैट इज मेट्रॉइड्स, है ना। थर्ड इज कॉमेट्स। कॉमेट्स को हिंदू में कहते हैं धूमकेतु या पुच्छल तारा। तो हियर यू कैन सीन थ्री कैटेगरीज। कॉमेट्स आर कॉस्मिक बॉल्स ऑफ फ्रोजन गैसेज, रॉक्स एंड डस्ट। वेन अ कॉमेट कम्स क्लोज टू द सन इट फॉर्म्स अ टेल। कॉमेट्स क्या होते हैं, ये एक जमी हुई गैस के बाल की तरह होते हैं, है ना, ये पत्थरों से और धूल से बने होते हैं। और जब ये कॉमेट सन के नज़दीक आते हैं, है ना, तो ये जलने लगते हैं और ये टेल यानी कि एक पूंछ का निर्माण करते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, धूमकेतु या पुच्छल तारा, यानी कि ऐसा तारा जिसके पीछे क्या हो, पूंछ की तरह हो। तो यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स हैं, आप देख सकते हैं, ये एस्ट्रॉइड्स है, देखो यहाँ की पूछ है, ऐसा लगता है कि ये सूर्य से कहाँ जा रहा है, ये दूर जा रहा है। ठीक है, अ कॉमेट है ये और ये मेट्रॉइड्स है। और हम ठीक है, और अगले टॉपिक हम देखते हैं ये नोमोर के बारे में। तो नोमोर के बारे में वी कैन ईजिली लर्न द अदर ऑर्डर टू द प्लैनेट्स फ्रॉम द सन, जस्ट रिमेंबर द सेंटेंस। ठीक है, एक सेंटेंस के द्वारा हम आसानी से सूर्य से ग्रहों की दूरी के अनुसार हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं को माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट शोड अस नियॉन लाइट्स, ठीक है, तो माई से मरकरी हो गया, वेरी से वीनस हो गया, एलिगेंट से अर्थ हो गया, मदर से मार्स हो गया, जस्ट से जुपिटर हो गया, शोड से सैटर्न हो गया, अस से यूरेनस हो गया और नियॉन लाइट से नेपच्यून हो गया। ओके स्टूडेंट, ठीक है, टुडेज लेसन इज कंप्लीट, थैंक यू।